हम लोग का घर में बना हुआ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मैंचाओ सूप बढ़िया लग रहा है कि नहीं? तो आप कब बना रहे हो? और मेरे चटोरों, कैसे हो आप? आज के वीडियो में हम लोग बनाएंगे मैंचाओ सूप एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा लुक आया है ना, टेस्ट में ये कई ज़्यादा बेहतर है। तो शुरू करते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाली मैंचाओ सूप की रेसिपी। दोस्तों, बढ़िया सूप बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको ये बनाना पड़ेगा। मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने लगभग 1 लीटर के आसपास पानी डाला है। 1 लीटर से थोड़ा सा कम ही है दोस्तों। इसमें हम लोग डाल देंगे बची हुई सब्जियाँ। आप इसमें कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हो, उसका छिलका भी डाल सकते हो। हम लोग को अभी स्टॉक बनाना है सब्ज़ी का। मेरे पास तो अभी शूट कर रहा तो सब्ज़ी कटी हुई पहले से ही थी, तो मैं अभी फ्रेश सब्ज़ियाँ डाल रहा हूँ, जैसे कि है धनिया का रूट्स, साथ में पत्ता गोभी है, प्याज है और थोड़ा सा गाजर भी है। मैं ये सारी सब्ज़ियाँ थोड़ी थोड़ी इसमें पानी में डाल दूँगा, मतलब मुट्ठी भर थोड़ी सी पत्ता गोभी है, बहुत सारा धनिया का रूट्स है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्रेश फ्लेवर आता है दोस्तों। मेरे पास थोड़ी सी गाजर भी है, इन तीनों को मैंने डाल दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, ढक्कन लगाकर इसको 20 मिनट तक पकाएंगे। इससे क्या होगा, सारी सब्जियों का जो भी फ्लेवर है पानी में आ जाएगा। वैसे हम लोग बाज़ार में बहुत बार देखते हैं कि स्टॉक क्यूब्स मिलते हैं, उसमें तो बहुत पुराना फ्लेवर रहता है, इतने दिन पहले बना होता है, डिहाइड्रेटेड फ्लेवर। हम लोग आज घर में फ्रेश स्टॉक बना रहे हैं, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। 20 मिनट तक इसको उबालने के बाद ये लगभग आधा हो जाएगा और कलर भी इसका थोड़ा सा येल्लो हो जाएगा। इसमें धनिया के स्टेम्स की वजह से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया है दोस्तों। अब मैं इसको स्ट्रेन कर लूँगा। मेरे पास एक छन्नी है यहाँ पर, उसी के ऊपर से मैं इसको डाल दूँगा। स्ट्रेन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना सब्जियों में, वो भी हम लोग दबा कर निकाल देंगे। तो लीजिए दोस्तों, हम लोग का घर में बना हुआ फ्रेश स्टॉक तैयार है। अब हम लोग नूडल्स के पास जाते हैं। जब मैंचाओ नाम है तो चाओ तो लगेगा ही, आपको पता ही होगा चाओ मतलब नूडल्स होता है। तो मेरे पास यहाँ पर हाक्का नूडल्स है दोस्तों, ये मैंने उबाल के रखी थी पहले से ही। नॉर्मल वाली हाक्का नूडल्स है, कुछ स्पेशल नहीं है। इसमें हम लोग 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल देंगे ताकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। आप वैसे बिना कॉर्नफ्लावर के भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन अगर 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल दो या फिर अरारोट डाल दो तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पीनेस आता है और वो क्रिस्पी रहती है बहुत देर तक। ध्यान रखिएगा ज़्यादा नहीं डालना, अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो आपका तेल ख़राब हो जाएगा। अच्छी तरह 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर इसमें फैल चुका है। अब हम लोग इसको डीप फ्राई करेंगे। आप चाहो तो इसको तवे पे भी फ्राई कर सकते हो, जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। मेरे पास यहाँ पर तेल गर्मा गर्म है, ध्यान रखिएगा कि तेल गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा होगा तो तेल पी लेगी नूडल्स। मैंने 1 नूडल्स डाल के देख लिया, ये ऊपर आ रही है, फटाफट सिजल कर रही है। बाकी की नूडल्स मैं इसमें डाल दूँगा। हाई फ्लेम पर हम लोग नूडल्स को फ्राई करेंगे जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन ना हो जाए। वैसे आप इंस्टेंटली देखोगे कि ये ना क्रिस्पी हो गई है, वो क्यों? क्योंकि हम लोग ने इसमें कॉर्नफ्लावर लगाया था। नूडल्स गोल्डन हो चुकी है, कैमरे में नहीं लग रही है लेकिन मेरे को आंखों से लग रही है, तो मैं इसको अब निकाल दूंगा। सिमिलरली बाकी की नूडल्स भी मैं ऐसे ही फ्राई कर तैयार कर लूँगा। मैंचाओ सूप बिना नूडल्स के मज़ा ही नहीं आता, इसलिए हम लोग ने घर में नूडल्स फ्राई करी है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, वो है सूप बनाने का। तो मेरे पास यहाँ पर है एक वॉक, इसका बेस्ट टेस्ट वॉक में ही आएगा। अगर आपके पास वॉक नहीं हो तो आप कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। वॉक थोड़ा सा पतला होता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है जल्दी से, इसलिए वॉक यूज़ किया जाता है। गर्म गर्म वॉक में मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल को डाला है कोने से। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाता है, हम लोग इसमें डाल देंगे ये तीनों चीज़, जैसे कि लहसुन है, अदरक है और हरी मिर्च है। अदरक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तीनों चीज़ को मैंने इसमें डाल दिया। इसको स्टर फ्राई करेंगे 30 सेकेंड तक एकदम हाई फ्लेम पर। अब हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ा सा प्याज। ये छोटा सा एक प्याज था जिसको मैंने डाला है, उसी के साथ में थोड़ी सी पत्ता गोभी और थोड़ा सा गाजर भी है। इन सभी को एकदम हाई फ्लेम पर स्टर फ्राई करना है दोस्तों। फिर से ये जो स्टर फ्राई का जो स्टेप है ना, एकदम हाई हीट में पकाने का, इसी स्टेप से बहुत ही अच्छा मैंचाओ वाला फ्लेवर आएगा। मैंने इसको लगभग 1 मिनट तक स्टर फ्राई कर दिया है। अब ये थोड़ा सा चिपकने लग गया तो मैं इसमें एकदम थोड़ा सा स्टॉक डाल दूंगा जो हम लोग ने पहले बनाया था। आप स्टॉक की जगह पानी भी डाल सकते हो। स्टॉक डालने के बाद फिर से मैं इसको कंटिन्यूसली चला के पकाऊंगा 30 सेकेंड और। सब्ज़ी एकदम महीन महीन काटी थी तो वो इंस्टेंटली पक जाती है। अब हम लोग इसमें नमक डाल देंगे। नमक के साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें टेस्टिंग सॉल्ट डाला है,
टेस्टिंग सॉल्ट मतलब MSG। दोस्तों रिसेंटली एक रिसर्च हुई थी जिसमें पता चला था कि MSG इतना भी ज़्यादा हार्मफुल नहीं है और आप थोड़ा थोड़ा खा सकते हो। मैं बिल्कुल थोड़ा सा डाला हूँ इसमें। इसी के साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल दी है। मैं इसमें अब थोड़ा सा हरा प्याज डाल दूंगा। साथ ही में हम लोग इसमें सोया सॉस डालेंगे। डार्क सोया सॉस थी ये दोस्तों, और मैंने थोड़ी सी रेड चिली सॉस भी डाली है। अब इसको मिक्स कर पकाएंगे फिर से 1 मिनट तक। आप इसे चाहो तो इसमें मशरूम भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च भी डाल सकते हो, बेबी कॉर्न भी डाल सकते हो, आपकी चॉइस है। सॉस बिल्कुल अच्छी तरह पक चुकी है 1 मिनट तक। अब मैं इसमें बाकी बचा हुआ जो स्टॉक है वो डाल दूंगा पूरा। ये लगभग 400 ml के आसपास था। इसी के साथ में हम लोग अब पानी भी डाल देंगे। मैं इसमें धीरे धीरे कर पानी डाल रहा हूँ। मैं कंसिस्टेंसी देख रहा हूँ बेसिकली दोस्तों सब्ज़ी और पानी की। आपको जितना पतला सूप चाहिए आप उसी के हिसाब से पानी डाल सकते हो। सूप को गाढ़ा करने के लिए हम लोग को कॉर्नफ्लावर डालना पड़ेगा। कॉर्नफ्लावर मतलब अरारोट, वैसे सेम नहीं होते हैं लेकिन आप एक दूसरे को स्विच कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर मिला दिया है। ये जो स्लरी है ना, इससे हम लोग सूप को गाढ़ा कर पाएंगे। वैसे आप देख सकते हो मैं इसमें और पानी डाल रहा हूँ। वो क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मैं जब इसको मिक्स कर रहा हूँ ना तो मैं देख पा रहा हूँ कि सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है। उसी रीज़न की वजह से मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और डाला। अभी सब्ज़ी और पानी का रेशियो बिल्कुल सही है। जब इसमें एकदम थोड़ा सा उबाल आना स्टार्ट हो जाता है तब हम लोग इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर का पानी। लेकिन उससे पहले मैं इसमें थोड़ी सी नूडल्स और डालूंगा। मेरे को थोड़ी सी सॉफ्ट नूडल्स भी पसंद है मैंचाओ सूप में। क्रिस्पी नूडल्स तो ऊपर रहेगी, सॉफ्ट नूडल्स का एक अलग मज़ा है। नूडल्स डालकर एक बार मिक्स कर दिया। आप अभी देख सकते हो एकदम हल्का हल्का उबाल आ रहा है। अब मैं एक हाथ से स्लरी को डालूंगा मतलब कॉर्नफ्लावर डालूंगा और दूसरे हाथ से सूप को मिक्स करूंगा। अगर ये ज़्यादा देर तक ऐसे ही रह गया कॉर्नफ्लावर अंदर तो वो वैसे ही जम जाएगा और लठ बन जाएगा, लम्स पड़ जाएंगे आपके सूप में। तो फटाफट चलाइए, फटाफट मिक्स करिए और फिर आपका सूप तैयार हो जाएगा। मैंने सारा कॉर्नफ्लावर इसमें डाल दिया है और फ्लेम भी बिल्कुल हाई है। आप देख सकते हो अभी कैसे कंटिन्यूसली उबाल आ रहा है। हम लोग का सूप बिल्कुल बनने वाला है, बस कॉर्नफ्लावर को पकाएंगे जिसको 2 मिनट लगेगी पकने में। वैसे लास्ट इंग्रेडिएंट इसका क्या है, थोड़ा सा विनेगर। जब तक विनेगर नहीं डालेगा तब तक वो टेस्ट कैसे आएगा, और विनेगर को मैं प्रिफर करता हूँ एकदम लास्ट में डालने का। 2 मिनट तक सूप को पकाएंगे, उसके बाद गैस बंद कर देंगे और फिर इसको सर्व करेंगे। वैसे ये रेसिपी मैंने दोस्तों बिल्कुल ये सेकेंड टाइम शूट करी है आप सभी के लिए, होप आपको पसंद आएगी। मैं अभी इसको सर्व कर देता हूँ। मैंने 2 बोल लिए हैं सूप बोल्स, इसमें मैं इसको डाल देता हूँ। इसके ऊपर तो आपको पता ही होगा थोड़ा सा डलेगा हरा प्याज और थोड़ी सी नूडल्स डलेगी। हम लोग ने जो नूडल्स फ्राई करी थी आप देख सकते हो बिल्कुल अच्छी और कुरकुरी है। मैं थोड़ी सी नूडल्स इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि फ़ोटो में अच्छा नहीं दिखेगा, बाद में तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी अच्छी क्वांटिटी में नूडल्स डालकर खानी है इसको। ये देखिए दोस्तों, आप इतनी सारी नूडल्स ऊपर डालिए और फिर इसको एंजॉय करिए। हम लोग का घर में बना हुआ बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का मैंचाओ सूप बढ़िया लग रहा है कि नहीं, तो आप कब बना रहे हो? दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा घर में बनाया हुआ रेस्टोरेंट स्टाइल का मैंचाओ सूप की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करिएगा। मिलता हूँ आपको जल्दी एक और टेस्टी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो के नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करना। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन में घंटी आएगी जब भी मैं एक नया वीडियो डालूँ। हाँ, घंटी को भी क्लिक कर देना। फेसबुक में देख रहे हो तो कुकिंग शुकिंग को लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।